तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई मूवी नाइन सॉन्ग्स के बारे में। नाइन सॉन्ग्स मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी 2004 में रिलीज़ हुई नाइन सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में नाइन सॉन्ग्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, कि इन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, कि इन्होंने लिखा है, और कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले अगर हम नाइन सॉन्ग्स मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल विंटरबॉटम ने। माइकल विंटरबॉटम जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि अपना कैरियर ब्रिटिश टेलीविज़न में शुरू किया था और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने आगे डायरेक्ट की हैं एंड लिखी हैं। नाइन सॉन्ग्स मूवी के राइटर की बात करें तो इस मूवी को लिखा भी है माइकल विंटरबॉटम ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एंड्रयू ईटन ने और माइकल विंटरबॉटम ने। एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में कायरान और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मार्गो स्टिले देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो नाइन सॉन्ग्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है मार्सेल जैसकाइंड ने और एडिट किया है इस मूवी को मैट वाइट क्रॉस ने, माइकल विंटरबॉटम ने। और प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो नाइन सॉन्ग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं रेवोल्यूशन फिल्म्स। और इस मूवी के अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑप्टिमम रिलीजिंग ने। और इस मूवी की अगर हम बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की, तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 16 मई 2004 में। और इस मूवी की अगर बात करें रनिंग टाइम की, तो इस मूवी का रनिंग टाइम 70 मिनट्स है। और इसके बजट की बात करें तो इस मूवी को 1 मिलियन पाउंड के बजट में बनाया गया है। और उसके आगे इस मूवी की बात करें अगर बॉक्स ऑफ कलेक्शन की, तो इस मूवी ने $1.6 मिलियन का बॉक्स ऑफ कलेक्शन है जो किया था। सो उसके आगे बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है। और उसके आगे हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें इसके लीडिंग रोल की, तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में आपको कायरन और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि इस मूवी में मैट का कैरेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के दूसरे कैरेक्टर की, मार्गो स्टेनले की, मार्गो स्टेनले ने लीसा का कैरेक्टर प्ले किया है। सो उसके आगे बात कर लें इस मूवी के जॉनर की, तो यह मूवी एक आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी से देखना पसंद है। सिंपली आपको कहा जाए तो यह एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, ज़रूर से आप देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी आप नाइन सॉन्ग्स मूवी में देख सकते हो। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जिस मूवी को देखना पसंद करते हैं। और अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो बात करें इस मूवी के अगर हम डायरेक्टर की, तो माइकल विंटरबॉटम ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया है इस मूवी को और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, ज़रूर से देख सकते हो।
आगे हम बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग की कि कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ इस मूवी को IMDb पर मिला हुआ है। इस मूवी को 4.8 का रेटिंग मिला है IMDb की वेबसाइट पर। और इस मूवी के वोटर्स की बात करें तो 23,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को IMDb पर। सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के हम कि आप कहाँ पर देख सकते हो। सो अगर आप भी नाइन सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूवी को आप देख सकते हो OTT प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है। सो ज़रूर से आप वहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको आर्ट एंड रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है ज़रूर से देख सकते हो। आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई मूवी नाइन सॉन्ग्स के बारे में। नाइन सॉन्ग्स मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी 2004 में रिलीज़ हुई नाइन सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में नाइन सॉन्ग्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, कि इन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, कि इन्होंने लिखा है, और कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले अगर हम नाइन सॉन्ग्स मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल विंटरबॉटम ने। माइकल विंटरबॉटम जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि अपना करियर ब्रिटिश टेलीविज़न में शुरू किया था और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने आगे डायरेक्ट की हैं एंड लिखी हैं। नाइन सॉन्ग्स मूवी के राइटर की बात करें तो इस मूवी को लिखा भी है माइकल विंटरबॉटम ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एंड्रयू ईटन ने और माइकल विंटरबॉटम ने। एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में कायरान और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मार्गो स्टिले देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो नाइन सॉन्ग्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है मार्सेल जैसकाइंड ने और एडिट किया है इस मूवी को मैट वाइट क्रॉस ने, माइकल विंटरबॉटम ने। और प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो नाइन सॉन्ग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं रेवोल्यूशन फिल्म्स। और इस मूवी के अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑप्टिमम रिलीजिंग ने। और इस मूवी की अगर हम बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 16 मई 2004 में। और इस मूवी की अगर बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम 70 मिनट्स है। और इसके बजट की बात करें तो इस मूवी को 1 मिलियन पाउंड के बजट में बनाया गया है। और उसके आगे इस मूवी की बात करें अगर बॉक्स ऑफ कलेक्शन की तो इस मूवी ने $1.6 मिलियन का बॉक्स ऑफ कलेक्शन है जो किया था। सो उसके आगे बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है। और उसके आगे हम बात करें सबसे पहले हम बात करें इसके लीडिंग रोल की तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में आपको कायरन और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि इस मूवी में मैट का करैक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के दूसरे करैक्टर की मार्गो स्टेनले की, मार्गो स्टेनले ने लीसा का करैक्टर प्ले किया है। सो उसके आगे बात कर लें इस मूवी के जॉनर की तो यह मूवी एक आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी है।
सो काफ़ी पसंद आपको आएगी। अगर आपको आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है, सिंपली आपको कहा जाए तो ये एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, ज़रूर से आप देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी आप 9 सॉन्ग्स मूवी में देख सकते हो। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं। और अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। बात करें इस मूवी के अगर हम डायरेक्टर की, तो माइकल विंटर बॉटम ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया है इस मूवी को और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, ज़रूर से देख सकते हो। आगे हम बात करें इस मूवी के IMDB रेटिंग की कि कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ इस मूवी को IMDB पर मिला हुआ है। इस मूवी को 4.8 का रेटिंग मिला है IMDB की वेबसाइट पर। और इस मूवी के वोटर्स की बात करें तो 23,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को IMDB पर। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के हम कि आप कहाँ पर देख सकते हो। अगर आप भी 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूवी को आप देख सकते हो OTT प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है। ज़रूर से आप वहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी अगर आपको आर्ट एंड रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है, ज़रूर से देख सकते हो। आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई मूवी 9 सॉन्ग्स के बारे में। 9 सॉन्ग्स मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और इस मूवी के फ़ैन हैं। अगर आप भी 2004 में रिलीज़ हुई 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में 9 सॉन्ग्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, कि इन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, कि इन्होंने लिखा है, और कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले अगर हम 9 सॉन्ग्स मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल विंटरबॉटम ने। माइकल विंटरबॉटम जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि अपना कैरियर ब्रिटिश टेलीविज़न में शुरू किया था और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने आगे डायरेक्ट की हैं एंड लिखी हैं। 9 सॉन्ग्स मूवी के राइटर की बात करें तो इस मूवी को लिखा भी है माइकल विंटर बॉटम ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एंड्रयू ईटन ने और माइकल विंटर बॉटम ने। एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में कायरान और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मार्गो स्टिले देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो 9 सॉन्ग्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है मार्सेल जैसकाइंड ने और एडिट किया है इस मूवी को मैट वाइट क्रॉस ने, माइकल विंटरबॉटम ने। और प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो 9 सॉन्ग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं रेवोल्यूशन फिल्म्स। और इस मूवी के अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑप्टिमम रिलीजिंग ने। और इस मूवी की अगर हम बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की, तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 16 मई 2004 में। और इस मूवी की अगर बात करें रनिंग टाइम की, तो इस मूवी का रनिंग टाइम 70 मिनट्स है और इसके
बजट की बात करें तो इस मूवी को 1 मिलियन पाउंड के बजट में बनाया गया है। और उसके आगे इस मूवी की बात करें अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने 1.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जो किया था। सो उसके आगे बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है। और उसके आगे हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें इसके लीडिंग रोल की, तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में आपको कैरन और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि इस मूवी में मैट का कैरेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के दूसरे कैरेक्टर की, मार्गो स्टेनले की, मार्गो स्टेनले ने लीसा का कैरेक्टर प्ले किया है। सो उसके आगे बात कर लें इस मूवी के जॉनर की, तो यह मूवी एक आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है। सिंपली आपको कहा जाए तो यह एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, ज़रूर से आप देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी आप 9 सॉन्ग्स मूवी में देख सकते हो। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं। और अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। बात करें इस मूवी के अगर हम डायरेक्टर की, तो माइकल विंटर बॉटम ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया है इस मूवी को और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, ज़रूर से देख सकते हो। आगे हम बात करें इस मूवी के IMDB रेटिंग की कि कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ इस मूवी को IMDB पर मिला हुआ है। इस मूवी को 4.8 का रेटिंग मिला है IMDB की वेबसाइट पर। और इस मूवी के वोटर्स की बात करें तो 23,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को IMDB पर। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के हम कि आप कहां पर देख सकते हो। सो अगर आप भी 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूवी को आप देख सकते हो OTT प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है। सो ज़रूर से आप वहां पर इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी अगर आपको आर्ट एंड रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है, ज़रूर से देख सकते हो। आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई मूवी 9 सॉन्ग्स के बारे में। 9 सॉन्ग्स मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी 2004 में रिलीज़ हुई 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में 9 सॉन्ग्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, कि इन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, कि इन्होंने लिखा है और कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले अगर हम 9 सॉन्ग्स मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल विंटर बॉटम ने। माइकल विंटर बॉटम जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि अपना करियर ब्रिटिश टेलीविज़न में शुरू किया था और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने आगे डायरेक्ट की हैं एंड लिखी हैं। 9 सॉन्ग्स मूवी के राइटर की बात करें तो इस मूवी को लिखा भी है माइकल विंटर बॉटम ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एंड्रयू ईटन ने और माइकल विंटर बॉटम ने। एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में
कायरान और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मार्गो स्टिले देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो 9 सॉन्ग्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है मार्सेल जैसकाइंड ने और एडिट किया है इस मूवी को मैट वाइट क्रॉस ने, माइकल विंटरबॉटम ने। और प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो 9 सॉन्ग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं रेवोल्यूशन फिल्म्स। और इस मूवी के अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑप्टिमम रिलीजिंग ने। और इस मूवी की अगर हम बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 16 मई 2004 में। और इस मूवी की अगर बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम 70 मिनट्स है। और इसके बजट की बात करें तो इस मूवी को 1 मिलियन पाउंड के बजट में बनाया गया है। और उसके आगे इस मूवी की बात करें अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस मूवी ने $1.6 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जो किया था। सो उसके आगे बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है। और उसके आगे हम बात करें सबसे पहले हम बात करें इसके लीडिंग रोल की तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में आपको कायरन और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि इस मूवी में मैट का कैरेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के दूसरे कैरेक्टर की मार्गो स्टेनले की, मार्गो स्टेनले ने लीसा का कैरेक्टर प्ले किया है। सो उसके आगे बात कर लें इस मूवी के जॉनर की तो यह मूवी एक आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी से देखना पसंद है। सिंपली आपको कहा जाए तो यह एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, ज़रूर से आप देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवी से देखना पसंद है। एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी आप 9 सॉन्ग्स मूवी में देख सकते हो। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं। और अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो बात करें इस मूवी के अगर हम डायरेक्टर की तो माइकल विंटर बॉटम ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया है इस मूवी को और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, ज़रूर से देख सकते हो। आगे हम बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग की कि कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ इस मूवी को IMDb पर मिला हुआ है। इस मूवी को 4.8 का रेटिंग मिला है IMDb की वेबसाइट पर। और इस मूवी के वोटर्स की बात करें तो 23,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को IMDb पर। सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के हम कि आप कहां पर देख सकते हो। सो अगर आप भी 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूवी को आप देख सकते हो OTT प्लेटफॉर्म पर जैसे कि Amazon Prime Video पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है। सो ज़रूर से आप वहां पर इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी अगर आपको आर्ट एंड रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है, ज़रूर से देख सकते हो। आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई मूवी 9 सॉन्ग्स के बारे में। 9 सॉन्ग्स मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी 2004 में रिलीज़ हुई 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में 9 सॉन्ग्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, कि इन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, कि इन्होंने लिखा है
और कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले अगर हम 9 सॉन्ग्स मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल विंटरबॉटम ने। माइकल विंटरबॉटम जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि अपना करियर ब्रिटिश टेलीविज़न में शुरू किया था और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने आगे डायरेक्ट की हैं एंड लिखी हैं। 9 सॉन्ग्स मूवी के राइटर की बात करें तो इस मूवी को लिखा भी है माइकल विंटरबॉटम ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एंड्रयू ईटन ने और माइकल विंटरबॉटम ने। एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में कायरान और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मार्गो स्टिले देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो 9 सॉन्ग्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है मार्सेल जैसकाइंड ने और एडिट किया है इस मूवी को मैट वाइट क्रॉस ने, माइकल विंटरबॉटम ने। और प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो 9 सॉन्ग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं रेवोल्यूशन फिल्म्स। और इस मूवी के अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑप्टिमम रिलीजिंग ने। और इस मूवी की अगर हम बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 16 मई 2004 में। और इस मूवी की अगर बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम 70 मिनट्स है। और इसके बजट की बात करें तो इस मूवी को 1 मिलियन पाउंड के बजट में बनाया गया है। और उसके आगे इस मूवी की बात करें अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस मूवी ने $1.6 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जो किया था। सो उसके आगे बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है। और उसके आगे हम बात करें सबसे पहले हम बात करें इसके लीडिंग रोल की तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में आपको कायरन और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि इस मूवी में मैट का कैरेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के दूसरे कैरेक्टर की मार्गो स्टेनले की, मार्गो स्टेनले ने लीसा का कैरेक्टर प्ले किया है। सो उसके आगे बात कर लें इस मूवी के जॉनर की तो यह मूवी एक आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है। सिंपली आपको कहा जाए तो यह एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, ज़रूर से आप देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी आप 9 सॉन्ग्स मूवी में देख सकते हो। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं। और अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो बात करें इस मूवी के अगर हम डायरेक्टर की तो माइकल विंटरबॉटम ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया है इस मूवी को और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, ज़रूर से देख सकते हो। आगे हम बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग की कि कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ इस मूवी को IMDb पर मिला हुआ है। इस मूवी को 4.8 का रेटिंग मिला है IMDb की वेबसाइट पर। और इस मूवी के वोटर्स की बात करें तो 23,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को IMDb पर। सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के हम कि आप कहां पर देख सकते हो। सो अगर आप भी 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूवी को आप देख सकते हो OTT प्लेटफॉर्म पर जैसे कि Amazon Prime Video पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है। सो ज़रूर से आप वहां पर इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी अगर आपको आर्ट एंड
रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है, ज़रूर से देख सकते हो। आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई मूवी 9 Songs के बारे में। 9 Songs मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी 2004 में रिलीज़ हुई 9 Songs मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में 9 Songs मूवी के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, कि इन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, कि इन्होंने लिखा है, और कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले अगर हम 9 Songs मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल विंटरबॉटम ने। माइकल विंटरबॉटम जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि अपना करियर ब्रिटिश टेलीविज़न में शुरू किया था और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने आगे डायरेक्ट की हैं एंड लिखी हैं। 9 Songs मूवी के राइटर की बात करें तो इस मूवी को लिखा भी है माइकल विंटरबॉटम ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एंड्रयू ईटन ने और माइकल विंटरबॉटम ने। एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में कायरान और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मार्गो स्टिले देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो 9 Songs मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है मार्सेल जैसकाइंड ने और एडिट किया है इस मूवी को मैट वाइट क्रॉस ने, माइकल विंटरबॉटम ने। और प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो 9 Songs मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं रेवोल्यूशन फिल्म्स। और इस मूवी के अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑप्टिमम रिलीजिंग ने। और इस मूवी की अगर हम बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की, तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 16 मई 2004 में। और इस मूवी की अगर बात करें रनिंग टाइम की, तो इस मूवी का रनिंग टाइम 70 मिनट्स है। और इसके बजट की बात करें तो इस मूवी को 1 million pound के बजट में बनाया गया है। और उसके आगे इस मूवी की बात करें अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने $1.6 million का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जो किया था। सो उसके आगे बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है। और उसके आगे हम बात करें सबसे पहले हम बात करें इसके लीडिंग रोल की, तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में आपको कायरन और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि इस मूवी में मैट का कैरेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के दूसरे कैरेक्टर की, मार्गो स्टेनले की, मार्गो स्टेनले ने लीसा का कैरेक्टर प्ले किया है। सो उसके आगे बात कर लें इस मूवी के जॉनर की, तो यह मूवी एक आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी से देखना पसंद है। सिंपली आपको कहा जाए तो यह एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, ज़रूर से आप देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी आप 9 Songs मूवी में देख सकते हो। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं। और अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो बात करें इस मूवी के अगर हम डायरेक्टर की, तो माइकल
विंटर बॉटम ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया है इस मूवी को, और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, ज़रूर से देख सकते हो। आगे हम बात करें इस मूवी के IMDB रेटिंग की, कि कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ इस मूवी को IMDB पर मिला हुआ है। इस मूवी को 4.8 का रेटिंग मिला है IMDB की वेबसाइट पर, और इस मूवी के वोटर्स की बात करें तो 23,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को IMDB पर। सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के हम, कि आप कहाँ पर देख सकते हो। सो अगर आप भी नाइन सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूवी को आप देख सकते हो OTT प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है। सो ज़रूर से आप वहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको आर्ट एंड रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है, ज़रूर से देख सकते हो। आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई मूवी नाइन सॉन्ग्स के बारे में। नाइन सॉन्ग्स मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी 2004 में रिलीज़ हुई नाइन सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में नाइन सॉन्ग्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, कि इन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, कि इन्होंने लिखा है, और कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था, फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले अगर हम नाइन सॉन्ग्स मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल विंटरबॉटम ने। माइकल विंटरबॉटम जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि अपना करियर ब्रिटिश टेलीविज़न में शुरू किया था और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने आगे डायरेक्ट की हैं एंड लिखी हैं। नाइन सॉन्ग्स मूवी के राइटर की बात करें तो इस मूवी को लिखा भी है माइकल विंटरबॉटम ने, और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एंड्रयू ईटन ने और माइकल विंटरबॉटम ने। एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में कायरान और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मार्गो स्टिले देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो नाइन सॉन्ग्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है मार्सेल जैसकाइंड ने, और एडिट किया है इस मूवी को मैट वाइट क्रॉस ने, माइकल विंटरबॉटम ने। और प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो नाइन सॉन्ग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं रेवोल्यूशन फिल्म्स, और इस मूवी के अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑप्टिमम रिलीजिंग ने। और इस मूवी की अगर हम बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की, तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 16 मई 2004 में। और इस मूवी की अगर बात करें रनिंग टाइम की, तो इस मूवी का रनिंग टाइम 70 मिनट्स है, और इसके बजट की बात करें तो इस मूवी को £1 मिलियन के बजट में बनाया गया है। और उसके आगे इस मूवी की बात करें अगर बॉक्स ऑफ कलेक्शन की, तो इस मूवी ने $1.6 मिलियन का बॉक्स ऑफ कलेक्शन है जो किया था। सो उसके आगे बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है। और उसके आगे हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें इसके लीडिंग रोल की, तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में आपको कायरन और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि इस मूवी में मैट का कैरेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के दूसरे कैरेक्टर की, मार्गो स्टेनले की, मार्गो
स्टैनले ने लीसा का करेक्टर प्ले किया है। सो उसके आगे बात कर लें इस मूवी के जॉनर की, तो यह मूवी एक आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी से देखना पसंद है। सिंपली आपको कहा जाए तो यह एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, ज़रूर से आप देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी आप 9 सॉन्ग्स मूवी में देख सकते हो। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं। और अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो बात करें इस मूवी के अगर हम डायरेक्टर की, तो माइकल विंटरबॉटम ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया है इस मूवी को और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, ज़रूर से देख सकते हो। आगे हम बात करें इस मूवी के IMDB रेटिंग की कि कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ इस मूवी को IMDB पर मिला हुआ है। इस मूवी को 4.8 का रेटिंग मिला है IMDB की वेबसाइट पर। और इस मूवी के वोटर्स की बात करें तो 23,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को IMDB पर। सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के हम कि आप कहां पर देख सकते हो। सो अगर आप भी 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूवी को आप देख सकते हो OTT प्लेटफॉर्म पर जैसे कि Amazon Prime Video पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है। सो ज़रूर से आप वहां पर इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी अगर आपको आर्ट एंड रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है, ज़रूर से देख सकते हो। आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई मूवी 9 सॉन्ग्स के बारे में। 9 सॉन्ग्स मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी 2004 में रिलीज़ हुई 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में 9 सॉन्ग्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, कि इन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, कि इन्होंने लिखा है और कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले अगर हम 9 सॉन्ग्स मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल विंटरबॉटम ने। माइकल विंटरबॉटम जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि अपना कैरियर ब्रिटिश टेलीविज़न में शुरू किया था और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने आगे डायरेक्ट की हैं एंड लिखी हैं। 9 सॉन्ग्स मूवी के राइटर की बात करें तो इस मूवी को लिखा भी है माइकल विंटरबॉटम ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एंड्रयू ईटन ने और माइकल विंटरबॉटम ने। एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में कायरान और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मार्गो स्टिले देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो 9 सॉन्ग्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है मार्सेल जैसकाइंड ने और एडिट किया है इस मूवी को मैट वाइट क्रॉस ने, माइकल विंटरबॉटम ने। और प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो 9 सॉन्ग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं रेवोल्यूशन फिल्म्स। और इस मूवी के अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑप्टिमम रिलीजिंग ने। और इस मूवी की अगर हम बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 16 मई 2004 में। और इस मूवी के अगर
बात करें रनिंग टाइम की, तो इस मूवी का रनिंग टाइम 70 मिनट्स है, और इसके बजट की बात करें तो इस मूवी को 1 मिलियन पाउंड के बजट में बनाया गया है। और उसके आगे इस मूवी की बात करें अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने $1.6 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जो किया था। सो उसके आगे बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है। और उसके आगे हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें इसके लीडिंग रोल की, तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में आपको कायरन और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि इस मूवी में मैट का कैरेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के दूसरे कैरेक्टर की, मार्गो स्टेनले की, मार्गो स्टेनले ने लीसा का कैरेक्टर प्ले किया है। सो उसके आगे बात कर लें इस मूवी के जॉनर की, तो यह मूवी एक आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवीज देखना पसंद है। सिंपली आपको कहा जाए तो यह एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, ज़रूर से आप देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है। एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी आप 9 सॉन्ग्स मूवी में देख सकते हो। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं। और अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो बात करें इस मूवी के अगर हम डायरेक्टर की, तो माइकल विंटरबॉटम ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया है इस मूवी को, और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, ज़रूर से देख सकते हो। आगे हम बात करें इस मूवी के IMDB रेटिंग की कि कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ इस मूवी को IMDB पर मिला हुआ है। इस मूवी को 4.8 का रेटिंग मिला है IMDB की वेबसाइट पर। और इस मूवी के वोटर्स की बात करें तो 23,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को IMDB पर। सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के हम कि आप कहां पर देख सकते हो। सो अगर आप भी 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूवी को आप देख सकते हो OTT प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि Amazon Prime Video पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है। सो ज़रूर से आप वहां पर इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी अगर आपको आर्ट एंड रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है, ज़रूर से देख सकते हो। आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई मूवी 9 सॉन्ग्स के बारे में। 9 सॉन्ग्स मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी 2004 में रिलीज़ हुई 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में 9 सॉन्ग्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, कि इन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, कि इन्होंने लिखा है, और कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले अगर हम 9 सॉन्ग्स मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल विंटरबॉटम ने। माइकल विंटरबॉटम जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि अपना करियर ब्रिटिश टेलीविज़न में शुरू किया था और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने आगे डायरेक्ट की हैं एंड लिखी हैं। 9 सॉन्ग्स मूवी के राइटर की बात करें तो इस मूवी को लिखा भी है माइकल विंटरबॉटम ने,
और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एंड्रयू ईटन ने और माइकल विंटरबॉटम ने। एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में कायरान और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मार्गो स्टिले देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो 9 सॉन्ग्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है मार्सेल जैसकाइंड ने और एडिट किया है इस मूवी को मैट वाइट क्रॉस ने, माइकल विंटरबॉटम ने। और प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो 9 सॉन्ग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं रेवोल्यूशन फिल्म्स। और इस मूवी के अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑप्टिमम रिलीजिंग ने। और इस मूवी की अगर हम बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 16 मई 2004 में। और इस मूवी की अगर बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम 70 मिनट्स है। और इसके बजट की बात करें तो इस मूवी को 1 मिलियन पाउंड के बजट में बनाया गया है। और उसके आगे इस मूवी की बात करें अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस मूवी ने $1.6 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जो किया था। सो उसके आगे बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है। और उसके आगे हम बात करें सबसे पहले हम बात करें इसके लीडिंग रोल की तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में आपको कायरन और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि इस मूवी में मैट का कैरेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के दूसरे कैरेक्टर की मार्गो स्टेनले की, मार्गो स्टेनले ने लीसा का कैरेक्टर प्ले किया है। सो उसके आगे बात कर लें इस मूवी के जॉनर की तो यह मूवी एक आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी से देखना पसंद है। सिंपली आपको कहा जाए तो यह एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, ज़रूर से आप देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवी से देखना पसंद है। एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी आप 9 सॉन्ग्स मूवी में देख सकते हो। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं। और अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो बात करें इस मूवी के अगर हम डायरेक्टर की तो माइकल विंटरबॉटम ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया है इस मूवी को और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, ज़रूर से देख सकते हो। आगे हम बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग की कि कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ इस मूवी को IMDb पर मिला हुआ है। इस मूवी को 4.8 का रेटिंग मिला है IMDb की वेबसाइट पर। और इस मूवी के वोटर्स की बात करें तो 23,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को IMDb पर। सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के हम कि आप कहां पर देख सकते हो। सो अगर आप भी 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूवी को आप देख सकते हो OTT प्लेटफॉर्म पर जैसे कि Amazon Prime Video पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है। सो ज़रूर से आप वहां पर इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी अगर आपको आर्ट एंड रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है, ज़रूर से देख सकते हो। आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई मूवी 9 सॉन्ग्स के बारे में। 9 सॉन्ग्स मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी 2004 में रिलीज़ हुई 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें।
आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में 9 सॉन्ग्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है और कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले अगर हम 9 सॉन्ग्स मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल विंटरबॉटम ने। माइकल विंटरबॉटम जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि अपना करियर ब्रिटिश टेलीविज़न में शुरू किया था और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने आगे डायरेक्ट की हैं एंड लिखी हैं। 9 सॉन्ग्स मूवी के राइटर की बात करें तो इस मूवी को लिखा भी है माइकल विंटरबॉटम ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एंड्रयू ईटन ने और माइकल विंटरबॉटम ने। एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में कायरान और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मार्गो स्टिले देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो 9 सॉन्ग्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है मार्सेल जैसकाइंड ने और एडिट किया है इस मूवी को मैट वाइट क्रॉस ने, माइकल विंटरबॉटम ने। और प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो 9 सॉन्ग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं रेवोल्यूशन फिल्म्स। और इस मूवी के अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑप्टिमम रिलीजिंग ने। और इस मूवी की अगर हम बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 16 मई 2004 में। और इस मूवी की अगर बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम 70 मिनट्स है। और इसके बजट की बात करें तो इस मूवी को 1 मिलियन पाउंड के बजट में बनाया गया है। और उसके आगे इस मूवी की बात करें अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस मूवी ने $1.6 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जो किया था। सो उसके आगे बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है। और उसके आगे हम बात करें सबसे पहले हम बात करें इसके लीडिंग रोल की तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में आपको कायरन और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि इस मूवी में मैट का कैरेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के दूसरे कैरेक्टर की मार्गो स्टेनले की, मार्गो स्टेनले ने लीसा का कैरेक्टर प्ले किया है। सो उसके आगे बात कर लें इस मूवी के जॉनर की तो यह मूवी एक आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है। सिंपली आपको कहा जाए तो यह एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, ज़रूर से आप देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी आप 9 सॉन्ग्स मूवी में देख सकते हो। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं। और अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो बात करें इस मूवी के अगर हम डायरेक्टर की तो माइकल विंटरबॉटम ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया है इस मूवी को और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, ज़रूर से देख सकते हो। आगे हम बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग की कि कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ इस मूवी को IMDb पर मिला हुआ है। इस मूवी को 4.8 का रेटिंग मिला है IMDb की वेबसाइट पर। और इस मूवी के वोटर्स की बात करें तो 23,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को IMDb पर। सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के हम कि आप कहां पर देख सकते हो। सो अगर आप भी 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूवी को आप देख सकते हो
OTT प्लेटफॉर्म पर जैसे कि Amazon Prime Video पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है। सो ज़रूर से आप वहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको आर्ट एंड रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है, ज़रूर से देख सकते हो। आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई मूवी नाइन सॉन्ग्स के बारे में। नाइन सॉन्ग्स मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी 2004 में रिलीज़ हुई नाइन सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में नाइन सॉन्ग्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, कि इन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, कि इन्होंने लिखा है, और कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था, फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले अगर हम नाइन सॉन्ग्स मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल विंटरबॉटम ने। माइकल विंटरबॉटम जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि अपना करियर ब्रिटिश टेलीविज़न में शुरू किया था और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने आगे डायरेक्ट की हैं एंड लिखी हैं। नाइन सॉन्ग्स मूवी के राइटर की बात करें तो इस मूवी को लिखा भी है माइकल विंटरबॉटम ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एंड्रयू ईटन ने और माइकल विंटरबॉटम ने। एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में कायरान और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मार्गो स्टिले देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो नाइन सॉन्ग्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है मार्सेल जैसकाइंड ने और एडिट किया है इस मूवी को मैट वाइट क्रॉस ने, माइकल विंटरबॉटम ने। और प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो नाइन सॉन्ग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं रेवोल्यूशन फिल्म्स। और इस मूवी के अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑप्टिमम रिलीजिंग ने। और इस मूवी की अगर हम बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 16 मई 2004 में। और इस मूवी की अगर बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम 70 मिनट्स है। और इसके बजट की बात करें तो इस मूवी को 1 मिलियन पाउंड के बजट में बनाया गया है। और उसके आगे इस मूवी की बात करें अगर बॉक्स ऑफ कलेक्शन की तो इस मूवी ने $1.6 मिलियन का बॉक्स ऑफ कलेक्शन है जो किया था। सो उसके आगे बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है। और उसके आगे हम बात करें सबसे पहले हम बात करें इसके लीडिंग रोल की तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में आपको कायरन और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि इस मूवी में मैट का कैरेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के दूसरे कैरेक्टर की मार्गो स्टेनले की, मार्गो स्टेनले ने लीसा का कैरेक्टर प्ले किया है। सो उसके आगे बात कर लें इस मूवी के जॉनर की तो यह मूवी एक आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी से देखना पसंद है। सिंपली आपको कहा जाए तो यह एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, ज़रूर से आप देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी आप नाइन सॉन्ग्स मूवी में देख सकते हो। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं।
जिस मूवी को देखना पसंद करते हैं। और अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो। बात करें इस मूवी के, अगर हम डायरेक्टर की, तो माइकल विंटर बॉटम ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया है इस मूवी को और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, ज़रूर से देख सकते हो। आगे हम बात करें इस मूवी के IMDB रेटिंग की, कि कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ इस मूवी को IMDB पर मिला हुआ है। इस मूवी को 4.8 का रेटिंग मिला है IMDB की वेबसाइट पर। और इस मूवी के वोटर्स की बात करें तो 23,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को IMDB पर। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के हम, कि आप कहां पर देख सकते हो। अगर आप भी नाइन सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूवी को आप देख सकते हो OTT प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है। ज़रूर से आप वहां पर इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको आर्ट एंड रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है, ज़रूर से देख सकते हो। आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई मूवी नाइन सॉन्ग्स के बारे में। नाइन सॉन्ग्स मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और इस मूवी के फ़ैन हैं। अगर आप भी 2004 में रिलीज़ हुई नाइन सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में नाइन सॉन्ग्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, कि इन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, कि इन्होंने लिखा है, और कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले अगर हम नाइन सॉन्ग्स मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल विंटरबॉटम ने। माइकल विंटरबॉटम जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि अपना कैरियर ब्रिटिश टेलीविज़न में शुरू किया था और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने आगे डायरेक्ट की हैं एंड लिखी हैं। नाइन सॉन्ग्स मूवी के राइटर की बात करें तो इस मूवी को लिखा भी है माइकल विंटरबॉटम ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एंड्रयू ईटन ने और माइकल विंटरबॉटम ने। एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में कायरान और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मार्गो स्टिले देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो नाइन सॉन्ग्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है मार्सेल जैसकाइंड ने और एडिट किया है इस मूवी को मैट वाइट क्रॉस ने, माइकल विंटरबॉटम ने। और प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो नाइन सॉन्ग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं रेवोल्यूशन फिल्म्स। और इस मूवी के अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑप्टिमम रिलीजिंग ने। और इस मूवी की अगर हम बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की, तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 16 मई 2004 में। और इस मूवी की अगर बात करें रनिंग टाइम की, तो इस मूवी का रनिंग टाइम 70 मिनट्स है। और इसके बजट की बात करें तो इस मूवी को £1 मिलियन के बजट में बनाया गया है। और उसके आगे इस मूवी की बात करें अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने $1.6 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जो किया था। उसके आगे बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है। और उसके आगे हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें इसके लीडिंग रोल की, तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में आपको
कायरन और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि इस मूवी में मैट का करेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के दूसरे करेक्टर की, मार्गो स्टेनले की, मार्गो स्टेनले ने लीसा का करेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात कर लें इस मूवी के जॉनर की, तो यह मूवी एक आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी है। काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है। सिंपली आपको कहा जाए तो यह एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, ज़रूर से आप देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी आप 9 सॉन्ग्स मूवी में देख सकते हो। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं। और अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। बात करें इस मूवी के अगर हम डायरेक्टर की, तो माइकल विंटर बॉटम ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया है इस मूवी को और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, ज़रूर से देख सकते हो। आगे हम बात करें इस मूवी के IMDB रेटिंग की, कि कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ इस मूवी को IMDB पर मिला हुआ है। इस मूवी को 4.8 का रेटिंग मिला है IMDB की वेबसाइट पर। और इस मूवी के वोटर्स की बात करें तो 23,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को IMDB पर। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के हम कि आप कहां पर देख सकते हो। अगर आप भी 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूवी को आप देख सकते हो OTT प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि Amazon Prime Video पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है। ज़रूर से आप वहां पर इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी अगर आपको आर्ट एंड रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है, ज़रूर से देख सकते हो। आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई मूवी 9 सॉन्ग्स के बारे में। 9 सॉन्ग्स मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और इस मूवी के फ़ैन हैं। अगर आप भी 2004 में रिलीज़ हुई 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में 9 सॉन्ग्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, कि इन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, कि इन्होंने लिखा है, और कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले अगर हम 9 सॉन्ग्स मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल विंटरबॉटम ने। माइकल विंटरबॉटम जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि अपना कैरियर ब्रिटिश टेलीविज़न में शुरू किया था और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने आगे डायरेक्ट की हैं एंड लिखी हैं। 9 सॉन्ग्स मूवी के राइटर की बात करें तो इस मूवी को लिखा भी है माइकल विंटर बॉटम ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एंड्रयू ईटन ने और माइकल विंटर बॉटम ने। एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में कायरान और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे मार्गो स्टिले देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो 9 सॉन्ग्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है मार्सेल जैसकाइंड ने और एडिट किया है इस मूवी को मैट वाइट क्रॉस ने, माइकल विंटरबॉटम ने। और प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो 9 सॉन्ग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं रेवोल्यूशन फिल्म्स। और इस मूवी के अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑप्टिमम रिलीजिंग ने।
और इस मूवी की अगर हम बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की, तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 16 मई 2004 में। और इस मूवी की अगर बात करें रनिंग टाइम की, तो इस मूवी का रनिंग टाइम 70 मिनट्स है। और इसके बजट की बात करें तो इस मूवी को 1 मिलियन पाउंड के बजट में बनाया गया है। और उसके आगे इस मूवी की बात करें अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने 1.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जो किया था। सो उसके आगे बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है। और उसके आगे हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें इसके लीडिंग रोल की, तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में आपको कैरन और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि इस मूवी में मैट का कैरेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के दूसरे कैरेक्टर की, मार्गो स्टेनले की, मार्गो स्टेनले ने लीसा का कैरेक्टर प्ले किया है। सो उसके आगे बात कर लें इस मूवी के जॉनर की, तो यह मूवी एक आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है। सिंपली आपको कहा जाए तो यह एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, ज़रूर से आप देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी आप 9 सॉन्ग्स मूवी में देख सकते हो। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं। और अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। बात करें इस मूवी के अगर हम डायरेक्टर की, तो माइकल विंटर बॉटम ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया है इस मूवी को, और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, ज़रूर से देख सकते हो। आगे हम बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग की, कि कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ इस मूवी को IMDb पर मिला हुआ है। इस मूवी को 4.8 का रेटिंग मिला है IMDb की वेबसाइट पर। और इस मूवी के वोटर्स की बात करें तो 23,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को IMDb पर। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के हम कि आप कहां पर देख सकते हो। सो अगर आप भी 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो, तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूवी को आप देख सकते हो OTT प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है। सो ज़रूर से आप वहां पर इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी अगर आपको आर्ट एंड रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है, ज़रूर से देख सकते हो। आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई मूवी 9 सॉन्ग्स के बारे में। 9 सॉन्ग्स मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी 2004 में रिलीज़ हुई 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो, तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में 9 सॉन्ग्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, कि इन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, कि इन्होंने लिखा है, और कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले अगर हम 9 सॉन्ग्स मूवी के डायरेक्टर की बात करें, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल विंटर बॉटम ने। माइकल विंटर बॉटम जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि अपना कैरियर ब्रिटिश टेलीविज़न में शुरू किया था,
और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने आगे डायरेक्ट की हैं एंड लिखी हैं। नाइन सॉन्ग्स मूवी के राइटर की बात करें तो इस मूवी को लिखा भी है माइकल विंटर बॉटम ने, और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एंड्रयू ईटन ने और माइकल विंटर बॉटम ने। एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में कायरान और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मार्गो स्टिले देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो नाइन सॉन्ग्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है मार्सेल जैसकाइंड ने, और एडिट किया है इस मूवी को मैट वाइट क्रॉस ने, माइकल विंटरबॉटम ने, और प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो नाइन सॉन्ग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं रेवोल्यूशन फिल्म्स। और इस मूवी के अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑप्टिमम रिलीजिंग ने, और इस मूवी की अगर हम बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 16 मई 2004 में। और इस मूवी की अगर बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम 70 मिनट्स है, और इसके बजट की बात करें तो इस मूवी को 1 मिलियन पाउंड के बजट में बनाया गया है। और उसके आगे इस मूवी की बात करें अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस मूवी ने $1.6 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जो किया था। सो उसके आगे बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है। और उसके आगे हम बात करें सबसे पहले हम बात करें इसके लीडिंग रोल की तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में आपको कायरन और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि इस मूवी में मैट का कैरेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के दूसरे कैरेक्टर की मार्गो स्टेनले की, मार्गो स्टेनले ने लीसा का कैरेक्टर प्ले किया है। सो उसके आगे बात कर लें इस मूवी के जॉनर की तो यह मूवी एक आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी से देखना पसंद है। सिंपली आपको कहा जाए तो यह एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, ज़रूर से आप देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी आप नाइन सॉन्ग्स मूवी में देख सकते हो। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं। और अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो बात करें इस मूवी के अगर हम डायरेक्टर की तो माइकल विंटर बॉटम ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया है इस मूवी को, और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, ज़रूर से देख सकते हो। आगे हम बात करें इस मूवी के IMDB रेटिंग की कि कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ इस मूवी को IMDB पर मिला हुआ है। इस मूवी को 4.8 का रेटिंग मिला है IMDB की वेबसाइट पर, और इस मूवी के वोटर्स की बात करें तो 23,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को IMDB पर। सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के हम कि आप कहां पर देख सकते हो। सो अगर आप भी नाइन सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूवी को आप देख सकते हो OTT प्लेटफॉर्म पर जैसे कि Amazon Prime Video पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है। सो ज़रूर से आप वहां पर इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी अगर आपको आर्ट एंड रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है, ज़रूर से देख सकते हो। आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई मूवी नाइन सॉन्ग्स के बारे में। नाइन सॉन्ग्स मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी 2004 में रिलीज़ हुई नाइन सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़
और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में 9 सॉन्ग्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है और कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले अगर हम 9 सॉन्ग्स मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल विंटरबॉटम ने। माइकल विंटरबॉटम जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि अपना करियर ब्रिटिश टेलीविज़न में शुरू किया था और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने आगे डायरेक्ट की हैं एंड लिखी हैं। 9 सॉन्ग्स मूवी के राइटर की बात करें तो इस मूवी को लिखा भी है माइकल विंटरबॉटम ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एंड्रयू ईटन ने और माइकल विंटरबॉटम ने। एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में कायरान और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मार्गो स्टिले देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो 9 सॉन्ग्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है मार्सेल जैसकाइंड ने और एडिट किया है इस मूवी को मैट वाइट क्रॉस ने, माइकल विंटरबॉटम ने। और प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो 9 सॉन्ग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं रेवोल्यूशन फिल्म्स। और इस मूवी के अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑप्टिमम रिलीजिंग ने। और इस मूवी की अगर हम बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 16 मई 2004 में। और इस मूवी की अगर बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम 70 मिनट्स है। और इसके बजट की बात करें तो इस मूवी को 1 मिलियन पाउंड के बजट में बनाया गया है। और उसके आगे इस मूवी की बात करें अगर बॉक्स ऑफ कलेक्शन की तो इस मूवी ने $1.6 मिलियन का बॉक्स ऑफ कलेक्शन है जो किया था। सो उसके आगे बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है। और उसके आगे हम बात करें सबसे पहले हम बात करें इसके लीडिंग रोल की तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में आपको कायरन और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि इस मूवी में मैट का कैरेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के दूसरे कैरेक्टर की मार्गो स्टेनले की, मार्गो स्टेनले ने लीसा का कैरेक्टर प्ले किया है। सो उसके आगे बात कर लें इस मूवी के जॉनर की तो यह मूवी एक आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है। सिंपली आपको कहा जाए तो यह एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, ज़रूर से आप देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी आप 9 सॉन्ग्स मूवी में देख सकते हो। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं। और अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो बात करें इस मूवी के अगर हम डायरेक्टर की तो माइकल विंटरबॉटम ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया है इस मूवी को और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, ज़रूर से देख सकते हो। आगे हम बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग की कि कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ इस मूवी को IMDb पर मिला हुआ है। इस मूवी को 4.8 का रेटिंग मिला है IMDb की वेबसाइट पर। और इस मूवी के वोटर्स की बात करें तो 23,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को IMDb पर। सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के हम कि आप कहां पर देख सकते हो। सो अगर आप भी 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूवी को आप देख सकते हो
OTT प्लेटफॉर्म पर जैसे कि Amazon Prime Video पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है। सो ज़रूर से आप वहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको आर्ट एंड रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है, ज़रूर से देख सकते हो। आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई मूवी नाइन सॉन्ग्स के बारे में। नाइन सॉन्ग्स मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी 2004 में रिलीज़ हुई नाइन सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में नाइन सॉन्ग्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, कि इन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, कि इन्होंने लिखा है, और कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था, फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले अगर हम नाइन सॉन्ग्स मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल विंटरबॉटम ने। माइकल विंटरबॉटम जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि अपना करियर ब्रिटिश टेलीविज़न में शुरू किया था और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने आगे डायरेक्ट की हैं एंड लिखी हैं। नाइन सॉन्ग्स मूवी के राइटर की बात करें तो इस मूवी को लिखा भी है माइकल विंटरबॉटम ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एंड्रयू ईटन ने और माइकल विंटरबॉटम ने। एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में कायरान और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मार्गो स्टिले देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो नाइन सॉन्ग्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है मार्सेल जैसकाइंड ने और एडिट किया है इस मूवी को मैट वाइट क्रॉस ने, माइकल विंटरबॉटम ने। और प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो नाइन सॉन्ग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं रेवोल्यूशन फिल्म्स। और इस मूवी के अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑप्टिमम रिलीजिंग ने। और इस मूवी की अगर हम बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 16 मई 2004 में। और इस मूवी की अगर बात करें रनिंग टाइम की तो इस मूवी का रनिंग टाइम 70 मिनट्स है। और इसके बजट की बात करें तो इस मूवी को 1 मिलियन पाउंड के बजट में बनाया गया है। और उसके आगे इस मूवी की बात करें अगर बॉक्स ऑफ कलेक्शन की तो इस मूवी ने $1.6 मिलियन का बॉक्स ऑफ कलेक्शन है जो किया था। सो उसके आगे बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है। और उसके आगे हम बात करें सबसे पहले हम बात करें इसके लीडिंग रोल की तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में आपको कायरन और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि इस मूवी में मैट का कैरेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के दूसरे कैरेक्टर की मार्गो स्टेनले की, मार्गो स्टेनले ने लीसा का कैरेक्टर प्ले किया है। सो उसके आगे बात कर लें इस मूवी के जॉनर की तो यह मूवी एक आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी से देखना पसंद है। सिंपली आपको कहा जाए तो यह एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, ज़रूर से आप देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी आप नाइन सॉन्ग्स मूवी में देख सकते हो। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं।
जिस मूवी को देखना पसंद करते हैं। और अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो बात करें इस मूवी के, अगर हम डायरेक्टर की, तो माइकल विंटरबॉटम ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया है इस मूवी को और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, ज़रूर से देख सकते हो। आगे हम बात करें इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग की, कि कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ इस मूवी को आईएमडीबी पर मिला हुआ है। इस मूवी को 4.8 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी की वेबसाइट पर। और इस मूवी के वोटर्स की बात करें तो 23,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को आईएमडीबी पर। सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के हम, कि आप कहां पर देख सकते हो। सो अगर आप भी नाइन सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूवी को आप देख सकते हो OTT प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है। सो ज़रूर से आप वहां पर इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी अगर आपको आर्ट एंड रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है, ज़रूर से देख सकते हो। आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई मूवी नाइन सॉन्ग्स के बारे में। नाइन सॉन्ग्स मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी 2004 में रिलीज़ हुई नाइन सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में नाइन सॉन्ग्स मूवी के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, कि इन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, कि इन्होंने लिखा है, और कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था, फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले अगर हम नाइन सॉन्ग्स मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल विंटरबॉटम ने। माइकल विंटरबॉटम जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि अपना करियर ब्रिटिश टेलीविज़न में शुरू किया था और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने आगे डायरेक्ट की हैं एंड लिखी हैं। नाइन सॉन्ग्स मूवी के राइटर की बात करें तो इस मूवी को लिखा भी है माइकल विंटरबॉटम ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एंड्रयू ईटन ने और माइकल विंटरबॉटम ने। एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में कायरान और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मार्गो स्टिले देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो नाइन सॉन्ग्स मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है मार्सेल जैसकाइंड ने और एडिट किया है इस मूवी को मैट वाइट क्रॉस ने, माइकल विंटरबॉटम ने। और प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो नाइन सॉन्ग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं रेवोल्यूशन फिल्म्स। और इस मूवी के अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑप्टिमम रिलीजिंग ने। और इस मूवी की अगर हम बात कर लेते हैं रिलीजिंग डेट की, तो यह मूवी रिलीज़ हुआ था 16 मई 2004 में। और इस मूवी की अगर बात करें रनिंग टाइम की, तो इस मूवी का रनिंग टाइम 70 मिनट्स है। और इसके बजट की बात करें तो इस मूवी को £1 मिलियन के बजट में बनाया गया है। और उसके आगे इस मूवी की बात करें अगर बॉक्स ऑफ कलेक्शन की, तो इस मूवी ने $1.6 मिलियन का बॉक्स ऑफ कलेक्शन है जो किया था। सो उसके आगे बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में, कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है। और उसके आगे हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें इसके लीडिंग रोल की, तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में आपको
कायरन और ब्रायन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि इस मूवी में मैट का करेक्टर प्ले किया है। उसके आगे बात करें इस मूवी के दूसरे करेक्टर की, मार्गो स्टेनले की, मार्गो स्टेनले ने लीसा का करेक्टर प्ले किया है। सो उसके आगे बात कर लें इस मूवी के जॉनर की, तो यह मूवी एक आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगी अगर आपको आर्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी से देखना पसंद है। सिंपली आपको कहा जाए तो यह एक एरोटिक ड्रामा मूवी है, ज़रूर से आप देख सकते हो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी आप 9 सॉन्ग्स मूवी में देख सकते हो। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आज तक भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं। और अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो बात करें इस मूवी के अगर हम डायरेक्टर की, तो माइकल विंटर बॉटम ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया है इस मूवी को और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। आपको काफ़ी ज़्यादा यह मूवी पसंद आएगी, ज़रूर से देख सकते हो। आगे हम बात करें इस मूवी के IMDB रेटिंग की कि कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ इस मूवी को IMDB पर मिला हुआ है। इस मूवी को 4.8 का रेटिंग मिला है IMDB की वेबसाइट पर। और इस मूवी के वोटर्स की बात करें तो 23,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी को IMDB पर। सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के हम कि आप कहां पर देख सकते हो। सो अगर आप भी 9 सॉन्ग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूवी को आप देख सकते हो OTT प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि Amazon Prime Video पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है। सो ज़रूर से आप वहां पर इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी अगर आपको आर्ट एंड रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है, ज़रूर से देख सकते हो। आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।